तो हम बात करें टेम्पलेट। टेम्पलेट से पहले मैं छोटा सा एक फॉर्मेट तैयार करता हूं। मैं छोटा सा फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं यहां पे। यहां पे डेट डालता हूं, लोकेशन, फिर इसको हम यहां से एक फॉर्मेट देते हैं यहां पे टोटल। और नीचे हम अंडरलाइन देते हैं यहां से उठा के बॉटम, इसके नीचे भी बॉटम देते हैं और इसके नीचे भी हम बॉटम देते हैं और इसके नीचे भी हम बॉटम देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पेज लेआउट में आते हैं और ग्रिड लाइन को हटा देते हैं तो एक रिपोर्ट फॉर्मेट की तरह दिखेगा। अब मान लीजिए रिपोर्ट है आपका। अब एवरी डे आप क्या करते हैं कि इसको फिल करके प्रिंट आउट निकाल के असाइनमेंट करके आपको भेजना होता है। तो हर दिन आप इसमें जो इंफॉर्मेशन पहले से डली होती है उसको डिलीट करते हैं, डेट डिलीट करते हैं, लोकेशन डिलीट करते हैं, बाकी सब डिलीट करते हैं और फिर नया से फिल करते हैं। एवरीडे आपका ये काम होता है। तो आप क्या करें कि इस फाइल को सेव एज कर ले, सेव एज, और नीचे जो एक्सेल का जो टाइप होता है, फाइल एज टाइप होता है ना, एक्सेल वर्कबुक आता होगा, मैं तो माइक्रो नेबल में सेट कर रखा है। तो एक्सेल वर्कबुक को आप यहां पे एक्सेल टेम्पलेट सिलेक्ट कर ले और टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद लोकेशन चूज करें, जो भी लोकेशन चूज करना है, एंड से एक मिनट इसको क्लोज कर दीजिए। अब मैं यहां जो बुक वन है इस पर मैं इसको नाम करके काम कर देता हूं सेव। अब इसका देख लीजिए कि इसका फॉर्मेट भी चेंज है, इसका आइकन चेंज है। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा, सेल वन ओपन होगा, सेल टू, सेल थ्री, सेल फोर, जैसे आपका बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, और एवरी टाइम आपको एक ब्लैंक देगा। इसमें आप जो डालना है डालिए, डालने के बाद जैसे इसको सेव करेंगे वापस ये सेव एज होगा, मतलब कि आपका जो बनाया हुआ टेम्पलेट है, मतलब कि फॉर्मेट है, वो कभी आपका रिप्लेस नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, वो हमेशा इस तरह से ब्लैंक देता रहेगा। तो हर बार सेव एज करके डिलीट करने का जो टाइम है वो टाइम आपका बचेगा। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। दूसरी चीज क्या होता है कि किसी दिन आप छुट्टी पर हैं और आपको कितने रिपोर्ट बनानी है वो आपके जगह पे जो उस दिन काम करेगा उसको आपसे पूछना नहीं पड़ेगा, वो रिपोर्ट वाले फोल्डर में जाएगा, जितने टेम्पलेट है उतने रिपोर्ट बना देगा। तो एक बेनिफिट इसका भी होता है। चलो हम बात करते हैं फाइल की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे क्या होता है कि हम लोग जब कोई फाइल बना देते हैं तो कुछ दिनों तक तो याद होती है कि फाइल क्या है, लेकिन 6 महीने साल बाद हमें पता नहीं रहता कि फाइल किसका है, क्या चीज का बना हो। जैसे ये देखिए BTMSG है, अब मुझे इसके नाम से नहीं पता चल रहा है, कोई भी कॉमन नेम होते हैं, जैसे डेटा वन, बुक वन, रिपोर्ट, समरी, ऐसे कॉमन नेम होते हैं। तो जब तक आप इसको खोल के इसके डेटा को नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा किसके अंदर किस तरह का डेटा डाला हुआ है। लेकिन मेरे केस में नहीं है, लेकिन मैं कर्सर रखता हूं तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑथर आईपीटेक्निकल स्कूल, टाइटल MSG डेटा लिंक, मुझे पता चल रहा है कि क्या है।
तो किसी भी फाइल का प्रॉपर्टी आप माने कि प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, कोई भी फाइल, जैसे देखिए क्लास फाइल है तो कर्सर रखते ही दिख रहा है ना एडवांस एक्सेल सैंपल डेटा, मुझे पता चल रहा है यहां पे सैंपल डेटा दिख रहा होगा टाइटल के नीचे। तो कैसे हुआ, तो किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पे जाइए और इसकी डिटेल्स में जो भी डिटेल है टाइटल सब्जेक्ट टैग वगैरह डाल दीजिए। अब टैग इंपॉर्टेंट है, टैग होता है कीवर्ड्स, इसको किस किस नामों से आप जानते हैं, आप सर्च करेंगे तो आएगा। जैसे अगर मैं फोल्डर में जाऊं, फोल्डर सर्च होता है ना हमारा, फोल्डर सर्च में अगर मैं यहां पे लिस्ट को सर्च करूं, लिस्ट, जैसे मैं क्लास फाइल सबसे ऊपर, क्योंकि लिस्ट जो है हमारा वो टैग था, कीवर्ड था, हमने इसकी प्रॉपर्टी में डाला हुआ है, तो सर्चिंग में फायदा करता है। तो ये सारे फाइलों पे करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट आपको लगता है कि इन फ्यूचर में इस फाइल को हम देख सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है, तो इसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेल के हम कुछ सेटिंग्स के बारे में। आप सोचेंगे कि पहली ही क्लास में आपको मैं एक्सेल की सेटिंग क्यों पढ़ा रहा हूं। क्या होता है कि जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं तो उसका, जैसे मान नया मोबाइल फोन ही लेते हैं तो उसकी पूरी इन्वायरमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, उसका रिंगटोन, उसका वॉलपेपर, उसका अलार्म, बाकी सब चीज को अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो एक्सेल को भी समझिए कि आपका नया है और इसके भी जो इनबिल्ड सेटिंग्स है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का मैंने वर्क ऑर्डर देखा, आप लोग हिंदी में ज्यादातर काम करते हैं, राइट? तो आप लोगों का जो हिंदी फॉन्ट है बार बार सिलेक्ट करना होता है, एवरी टाइम आपको सिलेक्ट करके यहां हिंदी फॉन्ट चेंज करना पड़ता होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने एक्सेल का डिफॉल्ट फॉन्ट ही हिंदी रख सकते हैं। कैसे, एक्सेल ऑप्शन में आए और यहां, यहां दिख रहा होगा यूज डिफॉल्ट फॉन्ट, यहां से आप अपना चेंज कर लीजिए जो फॉन्ट चाहिए, वो आपकी एक्सेल की डिफॉल्ट फॉन्ट हो जाएगी। तो बार बार हर फाइल में, अब इसमें सिर्फ ये मैंने जो चेंजिंग जो सेटिंग में चेंजिंग कर रहे हैं, एक्सेल ऑप्शन में चेंज कर रहे हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर वर्कबुक के लिए नहीं है, ओवरऑल एप्लीकेशन में चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहां पे फॉन्ट चेंज करता हूं तो सिर्फ इस फाइल में नहीं, जितने भी फाइल क्रिएट होंगे, जितने भी शीट्स क्रिएट होंगे, सबका डिफॉल्ट फॉन्ट एरियल ही रहेगा, डिफॉल्ट साइज 11 रहेगा, व्यू नॉर्मल रहेगा और नंबर ऑफ शीट्स 1 रहेगा। मतलब कि जब आप फाइल क्रिएट करते हैं तो नंबर ऑफ शीट्स यहां पे जितना डालेंगे उतना ही मिलेगा, आप सेट कर सकते हैं। दूसरा, यहां देखिए ऑथर नेम, अभी आपने देखा कि मैंने फाइल पे कर्सर रखा तो मुझे उसका ऑथर नेम दिखा, आईपीटी एक्सेल स्कूल। तो क्या होता है कि अगर फाइल किसी को भेजते हैं और किसी और को फॉरवर्ड करता है तो पता होगा कि इस फाइल पे किसने इस फाइल को क्रिएट किया है, वो ऑथर से होता है। तो क्या होता है कि कई बार आपका जो ऑथर है यूजर वन यूजर टू ऐसे होता है, तो यहां से आप अपना ऑथर को चेंज कर सकते हैं, अपने मर्जी से जो भी आपका आइडेंटिफिकेट नाम है उस नाम को डाल सकते। जसवंत जी आप सेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए अल्ट प्लस आर करके, आपने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की है। उसके बाद फॉर्मूला बार में आते हैं तो इसमें छोटी चेंजिंग है, जैसे कि एबीसीडी है, कभी कभी इसको 1-2-3 में कन्वर्ट करना हो तो R1C1 रेफरेंस स्टाइल पे क्लिक कीजिए, ये आपका 1-2-3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे कि आखिर 1-2-3 में क्यों कन्वर्ट करेंगे, चलिए इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक सीए कंपनी में था तो वहां मैंने इसका यूज किया था। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपके पास काफी बड़ा डेटा होता होगा, जैसे कि मैं यहां पे बना रहा हूं नेम, हमने यहां पे पूजा लिखा और नीचे ड्रैग कर देता हूं और यहां पे हम और इसको हम काफी बड़ा कर देते हैं, 100-200 हेडिंग कर देते हैं।
रहा है कि प्रिंट आउट निकाल पाएंगे आप? सुधीर जी क्या लगता है प्रिंट आउट निकल पाएगा? मैं करता हूं कंट्रोल पी करता हूं, या फिर यहां से प्रिंट पे क्लिक करता हूं और मैं यहां से पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप कर देता हूं, लेटर की जगह पे A4 कर देता हूं, मार्जिन को नॉर्मल से नैरो कर देता हूं, फिर मैं हमारा P13 तक ही आया हुआ है। और यहां पे एक चीज और होती है कि इसमें पेज लेआउट में हमारे पास होता है क्लियर लाइन, जो लाइनिंग दिखती है ना इसको प्रिंट भी किया जा सकता है, ये लाइनिंग प्रिंट में आएगी। तो कुछ भी कर लीजिए, A4 साइज में आपका 100 कॉलम नहीं आया, 161 कॉलम नहीं आया, तो इसका क्या सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं? तो क्या था कि एक सीए कंपनी में काम करता था, तो इसी तरह का बहुत बड़ा एक डेटा था, हमें DRDO पे जाके उसको सबमिट करना था। अब कई सारे पेजेस में निकला था, कैसे करें भाई, वो तकरीबन 450 पेज का हेडिंग था, पर हमारे पास वो बड़ा नक्शे वाले प्रिंट करने वाले प्रिंटर नहीं थे, लेकिन मुझे निकालना था, मुझे उसको सबमिट करना था एनी हाउ। तो बड़ा मैंने क्या किया, मैंने एक्सेल ऑप्शन पे गया और सबसे पहले हमने प्रूफिंग में इसमें फॉर्मूला में गए और इसको R1C1 रेफरेंस स्टाइल कर दिया, नंबर में आ गया। फिर मैं यहां हेडिंग को व्यू के नीचे प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, जब प्रिंट होगा तो ये सीरियल नंबर होगा 14। अब फिर मैं इसको A4 साइज में प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद क्या हुआ कि फिर उसको 15 के बाद अगला जो पेज आएगा वो 15 से है, तो उसको साथ में जोड़ देंगे इस तरह से, क्योंकि ये हेडिंग तो चलो मैंने यहां पे दिया हुआ है कि P128 है, लेकिन जब प्रिंट आपके पास अगर अलग अलग हेडिंग होंगे, P84 नहीं, मतलब कि अलग अलग नेम होंगे, एक पर्टिकुलर फील्ड नेम होंगे, तो आपको आइडिया लगाना मुश्किल होगा कि फर्स्ट पेज सेकंड पेज कौन सा है, थर्ड पेज कौन सा है, ब्रेथ में हाइट में। तो हमने रो और हेडिंग के हिसाब से नीचे साइड में हम उसको क्या किए, एक बड़ा सा चार्ट पेपर पे चिपकाते चले गए। चिपकाने के बाद हमने तो अच्छे से कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद फिर उसको ले गया और जहां पे नक्शे की जो फोटो स्टेट होती है उसको दिया, उसने एक बड़ा सा A3 साइज में, बड़ा सा एक साइज में, बड़े से पेपर के साइज में उन्होंने फोटो स्टेट निकाल दिया, हमने लेके सबमिट कर दिया। तो ये एग्जाम्पल मैं बोल दे रहा हूं इसलिए क्योंकि कम रिसोर्सेज में आप अपना काम कैसे कर सकते, वो तरीका है। थैंक्स सर। तो यहां पे जैसे कि अभी अभी उन्होंने बताया कि आपके बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपके काम की नहीं है, जी नहीं, काम सारी चीजें काम की है, आपको उसको अपने काम में यूटिलाइज करना आना चाहिए। अगर एग्जांपल मैं नहीं बताता तो इस फॉर्मूला में ये जो R1C1 स्टाइल है ये आपके लिए अनलेस था, पर जब मैंने एग्जांपल बताया तो आप लोगों के पास भी ऐसी प्रॉब्लम कभी आएगी तो यू कैन यूज इट। उसके बाद प्रूफिंग में आता है ऑटो करेक्ट। R1C1 स्टाइल एक बार फिर से बता देंगे मुझे सर? R1C1 स्टाइल कुछ नहीं करता है, जो यहाँ आप देखिए अपने एक्सेल में यहाँ पे ABCD दिख रहा होगा, ऐसे R1C1 स्टाइल पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे 1 2 3 जो भी दिख रहा है ना सर, 1 2 3 होगा, ठीक है, डिफॉल्ट होता है ABCD, राइट। बट ABCD में दिक्कत क्या होता है कि A के बाद Z हो जाता है, ZA, ZB, ZC, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसमें सर अगर सेल का जो ये रेफरेंस होता है ना, तो ये मान लीजिए हमने इसको ऊपर से चेंज कर दिया, तो सेल का रेफरेंस तब क्या बनेगा एक बार जरा? सेल का रेफरेंस होगा R1C1? नहीं, सेल का रेफरेंस उसी में कॉल जो पहला R1C1 हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ। ओके एक बार, ओके R1C1 यहाँ पे आइए, R3C2 मतलब रो थ्री, आर रो को डिलीट। ओके ओके, अच्छा ये थोड़ा आर और सी में, ओके समझ गया ना। अब ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, अब मुझे 20 को प्लस करना है,
तो पता है क्या होगा, देखिए आर फोर सी टू, मतलब यहां पे देखिए, यहां दिख रहा है आपको सर, माइनस आर सेम रो में कॉलम माइनस है, इसने प्लस 20 करना, क्योंकि हम एक कॉलम पीछे गए तो माइनस 1 हो गया। इसका यूज हम लोग ऑफसेट फॉर्मूला जब लगाते थे बीवी में, ऑफसेट में, तो कभी कभी कंफ्यूजन होती है, तो वहां पे इससे की हेल्प लेते हैं। ओके आप लोगों को उतना यूज नहीं आएगा, तो आप लोगों को जो मैं प्रिंटिंग वाला ऑप्शन बताया वो बेनिफिट दे सकता है, फॉर्मूला वाली पार्ट बेनिफिट नहीं दे सकता, जहां तक मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये फॉर्मूला वाला पार्ट आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अब प्रूफिंग में आते हैं आप लोग। ये जो आर वन सी वन था, इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन है मुझे, बोलिए। जैसे अगर आप आर वन सी वन ऑप्शन को हाईलाइट कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, तो ये पूरे शीट्स में जितने भी हम न्यू शीट्स बनाएंगे उसमें ये 1 2 3 करके ही आएगा, देखिए है ना, एक, ऐसा ही होगा। एक मिनट देख लीजिए, बता देता हूँ, फॉर्मूला में गया आर वन सी वन, 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया, क्योंकि ये पूरी फाइल पे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसी, ये इसी फाइल पे होगा, कंट्रोल एन करते हैं वहां भी कोई नई फाइल पे भी। हमने आपको क्या बताया कि हम जो एक्सेल ऑप्शन में चेंजिंग कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर फाइल या सीट पे नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब मेरा इस पे मेरा सवाल एक्चुअली कि जो क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूला किसी पहले फाइल पे अप्लाई किया हुआ है, जो कि आर1 सी1, वो फॉर्मूला उसके वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, वो फॉर्मूला आर1 सी1 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ओके, ठीक है सर, एक्सेल बहुत समझदार है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़िए। अब यहां पे आपका आता है प्रूफिंग, इसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट। इसमें दो चीजें मैं सिखाने लायक है। पहला आता है कि कभी कभी ऐसे सेंटेंस होंगे या साइंटिफिक नेम होंगे जो आपको बार बार लिखना पड़ता हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है मेरी तरह उसकी स्पेलिंग भूल जाए, तो उसके लिए आप शॉर्ट वर्ड तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना तैयार कर रखा है डीएस, मैं अगर एक्सेल की किसी भी सीट पे, नॉट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, किसी भी सीट पे डीएस लिखा और स्पेस दिया तो ऑटोमेटिकली वो डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए डीएस स्पेस मारा, डेली सेल्स रिपोर्ट। तो ऐसे शॉर्टकट्स आप भी बना सकते हैं जो आप मोस्टली सेंटेंस यूज करते हैं उसका। कैसे बनाएंगे? प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट, और यहां रिप्लेस दिख रहा है, यहां पे अपना शॉर्ट वर्ड लिखे और यहां पे अपना लॉन्ग वर्ड लिखे, देन ओके। एक प्रॉब्लम और आती है, कभी कभी आप किसी का डेटाबेस बनाते होंगे तो उसमें किसी की ईमेल आईडी लिखते होंगे, तो जब ईमेल आईडी आप लिखते हैं, जैसे लिखा kumar@iptindia.com, हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए हाइपरलिंक लग गया इसके। अब एक प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए मुझे इसको चेंज करना है तो चेंज करने पे क्लिक हो जाता है और क्लिक होकर फिर आउटलुक खुल जाता है, तो मैं इसको कैसे नॉर्मल डेटा में रखूं, जो नॉर्मल एंट्री करते हैं उस डेटा, तो बहुत सारे उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते होम में ही क्लियर होता है, क्लियर में आपके सामने होता है रिमूव हाइपरलिंक, या फिर राइट क्लिक करके भी आप यहां से रिमूव हाइपरलिंक कर सकते। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह की प्रॉब्लम हो ही ना, जो मुझे रिमूव करना पड़े, तो एक्सेल ऑप्शन में आप प्रूफिंग पे जाएंगे, प्रूफिंग पे आपको यहां दिखेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, और इस ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में आपको ऑटो फॉर्मेट एज ए टाइप पे जाइए और यहां से इसको अनचेक कर दीजिए, अगर क्लिक है तो कन्वर्ट करेगा, क्लिक नहीं है तो अनचेक कर देगा। उसके बाद हम सेव पे आते हैं, सेव पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे आप देखेंगे कंट्रोल एस करते हैं तो कंट्रोल एस करते समय आपका इस तरह का एक आता होगा सेव एज, इसमें आपका यहां जो आता होगा डिफॉल्ट फोल्डर, और डिफॉल्ट फोल्डर आपका आता है माई डॉक्यूमेंट का, और यहां पे डिफॉल्ट जो आपका फॉर्मेट आता है वो एक्सेल वर्क। अब क्या होता है कि जैसे अभी तो आप एक्सेल यूज कर रहे हैं, आगे आपकी जो 10 या 12 दिन बाद जब आपकी वीवीए प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी
वीवीएन प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि आप फाइल को वीवी की कोड वाली फाइल को एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से सेव कर दिया तो सारे कोड आपके डिसेबल हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो यहां से हमें चेंज करना होता है एक्सेल वर्क को। और दूसरा, हम अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट में नहीं डालते, डिफरेंट फोल्डर में डालते हैं। तो इन सब की डिफॉल्ट सेटिंग आप कर सकते हैं सेव पे जाके, यहां अपने फाइल का टाइप, जैसे मैंने यहां पर माइक्रो एनेबल वर्कबुक रखा है, और दूसरा यहां हमने अपना डिफॉल्ट सेव लोकेशन कर रखा है। ये आपका ऑटो रिकवरी होता है कि ऑटोमेटिकली आपका रिकवर हो, रिकवरी के सिस्टम होता है। किसी पर्टिकुलर फाइल पे आप यहां से रिकवर डिसेबल भी कर सकते हो। बाकी इसमें और खास नहीं है। एडवांस में छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि आप एंटर प्रेस करते हो तो कर्सर डाउन जाता है, कभी कभी डेटा एंट्री करते समय हमें राइट भी चाहिए होता है, तो यू कैन चेंज इट। कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप नंबर लिखेंगे 500 तो 5 दिखाएगा, 50 लिखेंगे तो 0.5 दिखेगा, तो उस प्रॉब्लम को यह हो, इस पर क्लिक होगा तो ऐसी प्रॉब्लम होगी, अनक्लिक करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जब इस कर्सर को लेते हैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, आप चाहते कि ड्रैग ना हो तो यहां से इसको अनचेक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सेटिंग्स है, सारी सेटिंग को छेड़ना जरूरी नहीं है क्योंकि ये सेटिंग होनी चाहिए। अब जैसे कि यहां पे आपके सामने अभी तो जो सेटिंग किया पूरी की पूरी ओवरऑल एप्लीकेशन पे थी, अब लेकिन यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर बुक वगैरह पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने फाइल सिलेक्ट कर लिया, शो हॉरिजॉन्टल बार स्क्रॉल बार, जो स्क्रॉल बार होता है, पर्टिकुलर स्क्रॉल बार, ये सीट के नेम, जिसको अनचेक करेंगे वो नहीं शो करेगा। सीट का नाम में कॉलम हेडर वगैरह, पेज ब्रेक वगैरह यहाँ से हटा सकते हैं, जीरो वगैरह हटा सकते हैं कि भाई मेरे डेटा में जीरो शो ना हो, लेकिन ये पर्टिकुलर सीट पे वर्क करेगा, जो सीट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे उस सीट। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है कस्टम लिस्ट। अब ये देखा होगा कि मैंने एक अभी जो डेटा बनाया था उसमें मैंने पूजा का नाम लिखा और नीचे ड्रैग कर दिया, बाकी नाम अपने आप आ कैसे। अब आप ऐसे भी जो है जनवरी लिखते हैं, यहाँ पे आपने जैन लिखा, नीचे ड्रैग करते हैं तो जैन फेब मार्च आ जाता है। ऐसे आप संडे लिखते हैं तो आपका संडे मंडे ट्यूजडे आ जाता है। इसी तरह से मैं पूजा लिखता हूं या कोई नाम लिखूंगा तो मेरा नाम का इस तरह से लिस्ट आ जाता है। ऐसा लिस्ट हमने क्रिएट कर रखा है कहां पे, एक्स ऑप्शन में, यहां आपके सामने आता है एडवांस, एडवांस में सबसे नीचे जाएंगे तो आएगा एडिट कस्टम लिस्ट। जी हाँ, एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे क्लिक कीजिए, ये आता है। न्यू लिस्ट पे क्लिक कीजिए और यहां पर अपना लिस्ट बना लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ सिटी का, इसका नेम का। तो आपके पास जो क्लाइंट लिस्ट होगा, कोई क्लाइंट लिस्ट होगा, या आपके पास होगा कोई सिटी लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, मेंबर टीम लिस्ट, ऐसा लिस्ट जो बार बार आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट करते हैं या भी टाइप करते, उसके जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लिखो और ड्रैग मार दो, अपने आप आ जाएगा। इसका यूज हम आगे चलकर सॉर्टिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जो कि आगे क्लास में जो सॉर्टिंग वगैरह सिखाऊंगा तो इसका यूज भी बताऊंगा। उसके बाद आता है कस्टमाइज रिबन। जी हाँ, कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में क्या है कि आपके जो ऊपर मेन्यू बार है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते, कोई मेनू बार को डिसेबल करना है डिसेबल कर सकते हो। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे देखिए कमांड नॉट इन द रिबन, इतने सारे कमांड जो है रिबन के अंदर अवेलेबल नहीं, आप उसको यहां से ऐड कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली सिलेक्ट करके ऐड, आपको उसके लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा। वैसे इसमें एक चीज और आता है, स्पीक एंटर। Pick cell और enter, मुझे इसको ऐड करना है तो मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में आया, नहीं इंसर्ट में जगह है, ड्रॉइंग में कर देता हूँ। ड्रॉइंग में मैं गया और एक नया ग्रुप बनाया। ग्रुप का नाम चेंज करना चाहो तो रिनेम कर सकते हो यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ से ऐड कर एंड ओके। ड्रॉइंग में एक नया ऑप्शन आ गया, स्पीक और एंटर।
तो ये क्या करता है, हमने क्लिक किया, अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा मुझे बताएगा। यूज मेरा बेटा करता है, उसको इंग्लिश के कुछ बड़े बड़े वर्ड पढ़ने में, मेरा बेटा 6 साल का है तो बड़े बड़े वर्ड पढ़ने में दिक्कत होता है, तो वो एक्सेल खोलता है, स्पीक और एंटर शुरू कर देता है और टाइप करता है, एंटर मारता है, उसके प्रोनाउंसिएशन आ जाती है। तो मैं कहने के मतलब है कि कुछ ऐसे यूजफुल कमांड होंगे जो डायरेक्ट मेनू बार में नहीं होंगे, तो कस्टमाइज रिबन से आप लेके आ सकते हैं। उसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार है, उसके ऊपर आप दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर रख रखा है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप डायरेक्ट जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर आप इसका शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ऊपर एक नंबर आ जाएगा 2, इसका शॉर्टकट हो गया Alt+2। हम कहीं भी मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो Alt और 2 प्रेस करूंगा तो बॉर्डर अप्लाई हो जाए। तो आपके जो 5-10 मोस्ट यूजेस फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, उसके लिए इस तरह का नंबरिंग सॉफ्टवेयर शॉर्टकट आप तैयार कर सकते हैं। ये थी हमारी फाइल मेनू बार। अब फाइल मेनू बार से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं होम में। होम मेनू बार में सबसे पहला ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड मतलब कि कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट मतलब कि किसी भी डेटा को कहीं से कॉपी करना और कहीं से पेस्ट करना। एक छोटा सा डेटा बनाता हूं ताकि आपको इफेक्ट पता चलेगा पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट में आपका पेस्ट स्पेशल होता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी चीज को हम यहां पे हम आपके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए हम कॉपी करते हैं, यहां पे कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट करते हैं, तो जैसा कॉपी किया वैसा यहां पे पेस्ट होता है। लेकिन पेस्ट स्पेशल हमें परमिशन देता है कि इसमें से कोई पर्टिकुलर पार्ट को ही पेस्ट करना, जैसे फॉर्मूला तो फॉर्मूला को पेस्ट करें। अब बहुत सारे बोलते हैं कि ऊपर जो है आपका यहां पे फॉर्मूला का ऑप्शन नहीं है, फॉर्मूला को पेस्ट हुआ, तो फॉर्मूला का मतलब हुआ जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको पेस्ट हुआ। तो फॉर्मूला बार में दिखता है, चाहे नंबर हो, टेक्स्ट हो, डेटा, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। कभी कभी क्या होता है कि मुझे इसकी फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो हम यहां पे राइट क्लिक या यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू, तो फॉर्मूला रिमूव कर देता है। लेकिन रिमूव कहां किया, अनुदर लोकेशन पे। अब मैं चाहता हूं कि सेम लोकेशन पे मेरा फॉर्मूला रिमूव हो, जैसे कि यहां पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है मैं चाहता हूं फॉर्मूला रिमूव हो जाए ताकि मैं कोई नंबर चेंज करूं तो अपने आपको अपडेट ना करें। तो हम इसको कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू, पेस्ट एज ए वैल्यू इसी के ऊपर, तो मेरा फॉर्मूला गायब हो जाएगा। इसका यूज हम लोग ऑफिस की रिपोर्ट्स में करते हैं। मान लीजिए कि हमने आगे जगह मैं सिखाऊंगा रिपोर्ट को ऑटोमेट करना, रिपोर्ट्स एंड समरी बनाना या डैशबोर्ड बनाना, उसमें इसका यूज हो सकता है। जैसे एक डैशबोर्ड मैंने ओपन किया, मेरा एक डैशबोर्ड यहाँ बना हुआ है और एक लिंक है मेरे इस डेटा से। अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं मुझे आपके फाइल रिपोर्ट भेजनी है तो मुझे इसका डेटा भी भेजना होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला वगैरह वर्क है, जो फॉर्मूला वगैरह है आपके सिस्टम में चलेगा ही नहीं क्योंकि डेटा है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ आपको अपनी रिपोर्ट भेजनी है, फॉर्मूला रिमूव कर देना है, तो मैं सीट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी, और फिर यहां न्यू बुक पे जाऊंगा, देन ओके। ऐसा करते ही एक नई फाइल पे आ गया। अब यहां देखिए हेडिंग नहीं है, हेडिंग को जो मैंने डिसेबल कर रखा है, तो मैं पेज लेआउट पे जाऊंगा और हेडिंग को व्यू पे क्लिक कर दूंगा, हेडिंग आ जाएगा। अब मुझे इसके जितने भी फॉर्मूले लगे हैं और सारे फॉर्मूले को डिलीट करना है, तो इसमें कहीं पे फॉर्मूला है, कहीं पे चार्ट है, कहीं पे पिक्चर्स हैं, तो पता नहीं चलता है कहाँ का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं,
आप वन और ए के बीच में पूरी की पूरी ट्रायंगल पे क्लिक करें, कॉपी करें और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें वैल्यू कर दें। अब देखिए सारा फॉर्मूला रिमूव हो गया, लेकिन आपकी जो रिपोर्ट है फॉर्मेट है उसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपके मर्ज सेल में हर सेल में थोड़ी ही प्रॉब्लम नहीं। तो पेस्ट इन वैल्यू का यूज हम उसके बाद पेस्ट इस पे छोटे छोटे चीजें हैं एक बार देख लीजिए, जैसे कि हमें इसमें कहा फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है तो राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए फॉर्मेट। फिर मान लीजिए मुझे इसमें सब कुछ चाहिए बस बॉर्डर नहीं चाहिए तो ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर कर दीजिए तो सब कुछ आएगा, बॉर्डर नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रिपोर्ट वगैरह में जो कॉलम हमारा होता है उस कॉलम को हम अपने हिसाब से ऑटो फिट करते हैं, डबल क्लिक कर दिया पूरे सीट को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, कॉलम को छोटा बड़ा हम कर लेते हैं। अब इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद किसी और सीट पे या किसी और जगह पे हम पेस्ट करते हैं तो मेरा डेटा पेस्ट होता है, मेरा कॉलम का विड्थ पेस्ट नहीं होता है। कॉलम क्या हुआ कि फिर से इसकी कॉलम को अरेंज करना, तो यहां पे राइट क्लिक कीजिए पेस्ट स्पेशल और यहां पे कॉलम विड्थ कर दीजिए कॉलम विड्थ। लेकिन ध्यान रखिए कॉलम विड्थ पेस्ट करते सिर्फ कॉलम विड्थ ही पेस्ट होगा, लेकिन आपके पास अगर कोई लेटेस्ट एक्सेल है उसमें आइकन्स होते हैं तो आइकन में आपको यहां पे दिखेगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसे क्लिक करेंगे तो डेटा भी आएगा और कॉलम का विड्थ भी आएगा एक ही बार, बट इट लेटेस्ट। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि डेटा में हमारे पास डेट होते हैं, लेकिन जब हम डेट को जो डेट होता है हमारा उस डेट को जब हम पेस्ट करते हैं तो क्या होता है हम लोग इसको पेस्ट से वैल्यू कर देते हैं इसकी फॉर्मेटिंग और बॉर्डर वगैरह फॉर्मेट वगैरह रिमूव करने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि वो एज ए नंबर हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि नंबर होता क्या है। ये नंबर होता है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग कैलेंडर। देखिए आप वन लिखिए मतलब कि पहला दिन, इसमें अगर डेट रखे तो भी डेट अगर आप डालते हैं जैसे मैंने डाल दिया ये डेट तो ये 1st Jan 1900 मतलब कि आपका सिस्टम में 1st Jan 1900 से आपका सिस्टम का कैलेंडर स्टार्ट है। इससे पहले की डेट अगर डाले जैसे 10th October 1856 डालूंगा तो दिस इज नॉट ए डेट, डेट नहीं है टेक्स्ट। तो नंबर ऑफ डेज जैसे देखिए यहाँ पे 367 डालिए ईयर चेंज हो गया, ऐसे 444197 डाले तो डेट बन जाता है, तो नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो प्रोग्रामर ऐसे क्या क्यों किया, क्या होता है कि किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट एंट्री कर देते हैं तो उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता, बट डेट पे कैसे होगा, डेट दिख रहा है आपको तो ये 10 मार्च आपको दिख रहा है बट एक्चुअल में नंबर है, जो कैलकुलेशन हुआ वो 10 मार्च पे नहीं हुआ है। जब इसको जनरल फॉर्मेट करेंगे तो पता चलेगा कि 44265 पे कैलकुलेशन हुआ है और रिजल्ट भी 44285 आया है। जब इसको हम यहां डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट हैश होता है कुछ शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट हैश की तो एक डेट फॉर्मेट में अप्लाई हो जाता है, लेकिन जब हम पेस्ट स्पेशल करते हैं और सेलेक्ट करते हैं वैल्यू तो क्या होता है, वैल्यू को बोला गया रिमूव ऑल फॉर्मेट तो डेट भी फॉर्मेट है तो उसको रिमूव कर देता है। तो उस केस में आप यहां पे फॉर्मूला एंड वैल्यू के जगह पे वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट है फॉर्मूला जो नंबर फॉर्मेट लेंगे तो क्या होगा कि जो नंबर की फॉर्मेटिंग है वो आपका नहीं आएगा, जैसे कि डेट हो गया जैसे कि टाइम हो गया ऐसी फॉर्मेटिंग भी आएगी बट बाकी फॉर्मेटिंग फॉर्मूले वगैरह नहीं आएगा। ये हमारे डेट की फॉर्मेटिंग। उसके बाद मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि हम कैलकुलेशन वगैरह कर 30 है हमें यहाँ पर 20 हेलो बोलिए
सर पुरानी डेट जो 1900 से पहले की डेट्स हैं उन पे हम किस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपको नहीं वहां कर कहीं जरूरत सकते, पड़ती है, नहीं कर सकते पर किसी भी तरह से नहीं मैनिपुलेट करके या कुछ तरह। नहीं, ओके सिलेंडर से बाहर का डेट है सर। ओके नहीं, अगर पुरानी डेट्स जैसे कई बार डिपार्टमेंट जियोलॉजी दूसरे डिपार्टमेंट्स में होता है तो उसका उस तरह तरीका है, उसके तरीका है कि उसको आप डे मंथ अलग और अलग लिखें ईयर अलग अलग लिखें तो कैलकुलेशन की जा सकती है। तब की जा सकती है। यदि थ्योरिकल पार्ट है, मैंने प्रैक्टिकली ट्राई कभी किया नहीं, बाकी ओके कैलकुलेशन आएगी तो हम ट्राई करके देख लेंगे। ओके तो कई बार जो हिस्टोरिकल या जियो ये डिपार्टमेंट होते हैं ना तो वहाँ होती। यार ओके ईयर अलग अलग कर लेना, ईयर मंथ और हाँ तब अलग अलग बना दी तब कल। मैथमेटिकल, जो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो हाँ आप जी लिखते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो पेस्ट स्पेशल में अब एक बार आप देख लेते क्या क्या है। तो यहां पे हमने बताया, ये तो स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका क्या यूज है। स्किप ब्लैंक क्या होता है कि आप कहीं से डेटा कॉपी कर रहे हो, उसमें अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक को पेस्ट नहीं करता है, उसको स्किप कर देता है। कुछ नंबर्स हैं तो उसको स्किप कर देता है। मान लीजिए ना यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। अब इसको यहां से हम कॉपी करेंगे और इसके ऊपर अगर नॉर्मल पेस्ट करते हो तो पूरा ब्लैंक आ जाता है। इसके जगह पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, स्किप ब्लैंक, तो ब्लैंक नहीं है। अब इसमें आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज भी क्या होता है कि इसको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कर देता है। तो आज की टॉपिक वाली सेशन को मैं यहां पे खत्म करता हूं। अब आप लोगों को मैं फिर 5 मिनट का गैप देता हूं, आप लोग अपने क्वेश्चंस को नोट कर लें और वन बाय वन क्वेश्चंस को पूछें। आज की जो क्लास की क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को आप वन बाय वन पूछें कि कौन से टॉपिक को दोबारा पढ़ना है या